Now whatever you wear, babe, you can make the whole room stare. But you know that my favorite is when you're rocking that this is way. Oh, tenu suit suit karida. Oh, tenu suit suit karida. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस सत्यजीत टेक्निकल चैनल पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे साथ है बिकी। नमस्ते। फंडा नेटवर्क के बहुत ही पुराने ये हैं। तो अभी जो यूट्यूब पे चल रहा है ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम लोग लाइव आए थे तो कुछ उतनी वीडियो आ नहीं गई थी, बैड नेटवर्क थे, तो जिसकी वजह से हम लोग ने सोचा कि नहीं स्पेशल वीडियो बना के जो है आप लोगों के सामने अपना ओपिनियन जो है शेयर किया जाए। तो जानते हैं क्या अभी चल रहा। ये भी देख रहे हैं तो बोल रहे यार क्या ये लोग ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिए हैं, टेक्निकल सागर, फिर ये गौरव चौधरी, मतलब एक आपस में होती है ना, दोनों लगे हुए हैं, वो उसके ऊपर बोल रहा, वो उसके ऊपर बोल रहा। तो ये कुछ मतलब कि पता नहीं यार, इतने बड़े यूट्यूबर हो कि आप लोग जब ऐसे करोगे तो पता है, हम लोग आप ही से सीखते हैं और आप लोग जो है मतलब चलो जानते हैं क्या तक रहा है। मुझे पता है सौरभ भाई, क्या नाम है उनका, सागर, अभी सागर भाई ने, सॉरी सागर भाई, मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ आपको अगर बुरा लगे तो, यहाँ पे बात की अचीवमेंट की और बात की कि गुरुजी ने कहाँ से शुरू किया या फिर उन्होंने कहाँ से शुरू किया, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक गया, किसने किसको क्यों सपोर्ट किया, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एक बात बताइए आप कि ये सब बातें करके आपको क्या फायदा मिलेगा। और पब्लिक भी कृपया आप लोग ये सोचिए कि इन सब बातों का इन पे इनसे क्या मतलब, इन लोगों का क्या वास्ता है, ये झगड़ा का टॉपिक क्यों, और इस बारे में सोशल मीडिया पे इतना क्यों बातें हो रही है, क्यों इतना बातें बन रही है। कुछ तो गोलमाल है भाई, विदाउट गोलमाल तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पे एक दूसरे को ब्लेम लगाने का सीधा कारण है कि एक छोटी सी बात को, एक्चुअली पहले कुछ मुद्दा था, ठीक है, जैसे जियो एक मुद्दा था जिसकी वजह से इंटरनेट पे बहुत लोगों को फायदा मिला, वीडियो देखने में इंटरेस्ट हुई। अब ये एक मुद्दा है, लोग फालतू में ऐसे वीडियो देखते हैं, जहां तक मुझे लगता है कि इस तरह के वीडियो देखना ही नहीं चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए बात करते हैं वीडियो पे। वैसे आप लोगों को लगेगा मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ। अचीवमेंट की दोस्तों, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं या बहुत सारे ऐसे वेबमास्टर हैं। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि मैं एक वेबमास्टर था और बहुत अच्छा वेबमास्टर था। मैं YouTube पे आया जब मेरा वेबसाइट बंद किया है गवर्नमेंट ने, तब मैं YouTube पे आया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे वेबमास्टर हैं जो कभी कैमरा के सामने नहीं आए, लेकिन वो अभी भी बहुत आगे हैं हम लोगों से, और बहुत आगे वो अपनी फील्ड में है, ना कि YouTube पे और जा रहे हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहे, वो कुछ सही कर उसको, ठीक है बोलो। तो दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहे कि अभी वर्मा जी, आपने शर्मा जी को वर्मा जी बनाया या उसके बाद फिर गौरव को सौरभ बनाया, टेक्निकल गुरु जी को, और ये डॉट डॉट डॉट, इन सब का क्या मीनिंग निकाले हम। आप कहते हो कि टेक्निकल गुरु जी बुरे हैं, तो आप क्या हो, आपने ऐसा लिखा है, आपने इनको ये बनाया, इनके बारे में इतनी सारी हिस्ट्री आपने बताई, आप उनसे मिले भी, हम लोग तो मिलते हैं तो हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं लगता। वैसे पर्सनली मैं गुरु जी से नहीं मिला हूँ, ये मिला हुआ है। अगर मेरा जो ओपिनियन देखा जाए तो हम लोग कलकत्ता में मिले थे, फिर अभी दिल्ली में मिला था, तो मतलब इतना मजा आता है ना उनसे मिलने में। आप तो अभी तक नहीं आए, मैंने आपसे अभी तक मिली नहीं, तो मैं आपके बारे में उतना नहीं जानता, लेकिन हाँ रही बात कुछ सीखने की, तो मैंने आपकी वीडियो से भी बहुत सारी चीजें सीखी। आप भी काफी अच्छे नॉलेज, मतलब सारी अच्छी अच्छी वीडियो बताते हो, और यूट्यूब पे ऑलरेडी आपको पता ही है कि अभी जिसका डॉट चलता है ना वही बिकता है। तो अभी मतलब टेक्निकल गुरु जी काफी अच्छे, मतलब कि सारी चीजें बातें बताते हैं। और रही बात आपने बताया कि गिववे किया थी आईफोन के बारे में, सारे लोग इतने की ट्रेंडिंग में आ गए वीडियो, तो वो उनका अपना ओपिनियन था, उन लोग मतलब सब सारे लोग तो वही करते हैं। गिववे किस लिए की जाती है, वीडियो को ट्रेंडिंग में लाने के लिए, जिससे वीडियो व्यू हो, वीडियो सब्सक्राइबर हो। आप मतलब जैसे हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अपने हम लोग भी गिववे करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं। अब ज्यादा मतलब अपनी वीडियो को रैंकिंग करने के लिए वही करना पड़ेगा ना, जो ज्यादा लोग वीडियो को देखेंगे। भाई नॉलेज की बात है तो वो तो अलग है, उसके नहीं, लिए अलग एक, एक बात यहाँ पे मैं सत्या हाँ। बताना चाहूंगा, यहाँ पे नॉलेज की बात जहाँ तक आती है हाँ। तो नॉलेज आपको कितना है मुझे नहीं पता, और जहाँ तक आपने वेबसाइट को रैंक करने की एसईओ की बात की है, वेबसाइट को आगे बढ़ाने की बात है, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन crazymaja.com नाम तो सुना ही होगा आपने, मेरी वेबसाइट थी,
और काफी ऊंचे स्तर पे। अभी आपको लग रहा होगा ये बंदा ऐसे बैठे है पीछे में झालर टांग के पता नहीं क्या बोला जा रहा है ना, लेकिन ये सच है। किसी दौर में ये YouTube वगैरह नहीं चल रहा था, ये तो जियो के आने की वजह से हम लोगों की वेबसाइट की बैन बच गई, लेकिन किसी वक्त मेरा वेबसाइट बहुत आगे था। नॉलेजेबल होना सिर्फ नहीं होता है, आपके अंदर स्किल भी होनी चाहिए। जब से मैं YouTube पे आया लगभग में 2012 शायद, और तब मुझे ये गुरुजी भी शायद नहीं दिखे होंगे, बाद में दिखे थे। मैं बहुत पहले 2010-11-12 तब आया था यूट्यूब पे, मैंने कुछ वीडियोज बनाई, उसके बाद फिर से मेरा वेबसाइट रन हुआ और मैं YouTube छोड़ के कहीं और चला गया। अब मैं फिर से YouTube पे आया तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जियो की वजह से आगे जा रहे हैं, कोई अपने स्किल को बढ़ा के आगे जा रहा है, कोई अनबॉक्सिंग करके जा रहा है, कोई शॉर्ट मूवी, कोई फनी मूवी, मतलब जिसका जो स्किल है उस हिसाब से वो आगे जा रहा है। और मैं अपने बारे में बताऊं, मैं आप जाके देखो मेरे चैनल पे, सत्या भी जानता है, मैं बहुत सारे लोगों को वेबसाइट बनाना सिखा दिया हूँ वेबसाइट बनाना, और उसके बाद ब्लॉग बनाना मैंने सिखा दिया, एप्लीकेशन बनाना सिखा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं यार, बहुत सारी बातें मैं बता रहा हूँ। नाटक क्या होता है, थिएटर, यानी कि हर सेक्टर के लोग आते हैं, तो मुझे जितना आता है मैं सिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग नॉलेज अगर आपके पास है तो आप उसे बांटो ना, नॉलेज होता है किस लिए भाई, बांटने के लिए। झगड़ा जो होता है ना ये इसके ऊपर डायरेक्ट हम लोग आते हैं, ये आप लोग मतलब इतने बड़े यूट्यूबर हो गए जब झगड़ा करोगे, और आपसे मतलब कि हम लोग छोटे यूट्यूबर कुछ सीखते हैं, लेकिन क्या आप लोग जब मतलब यही बात हो गई ना, आप लोग गंदे करोगे तो हम लोग तो गंदे नहीं करेंगे, मतलब पहले वाली बात तो है नहीं कि यदि वो अगर मतलब ऐसा सब क्या बोलूं, मतलब बोलना नहीं चाहता, लेकिन तब भी मतलब बोलूं जैसे कि मैं कह दूं कि एक समंदर है, बहुत बड़ा समंदर है, जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे यूट्यूबर हो, बहुत बड़े यूट्यूबर हो, आप लोग एक समंदर की तरह हो, हम लोग क्या है, छोटी मोटी मछलियां हैं, रियल बात बता रहा हूँ। अगर आप लोग मान लो आप लोगों को मैं बड़ी मछली रखूं, मान लेते हैं कि गुरुजी बड़ी मछली है, हम लोग छोटी मछली, अगर बड़ी मछली ही रायता फैलाएंगे, या सागर जी आपको भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग रायता फैलाओगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे भैया, आप लोग तो डूब के मरी जाएंगे ना। तो भैया मैं तो यही कहता हूँ कि ये सब छोड़ो यार, झगड़ा करना, फालतू बातों पे चर्चा, अगर आप लोगों को सिखाना है तो इन सब चीजों से हटके कुछ सिखाओ ना। मैं तो नहीं देखा अभी तक कि आप लोग कुछ सिखा रहे हो। आप लोग, हाँ मैं ये कहूंगा कि आप लोग अनबॉक्सिंग करते हो, अनबॉक्सिंग करते हो तो जो लोग उस फोन के बारे में या उस गैजेट के बारे में नहीं जानते वो सीखते हैं, तो मैं यहाँ पे निगेटिव नहीं हो रहा हूँ, लेकिन अगर नॉलेजेबल बातें अगर आप बताते हैं तो सिखाओ कुछ। क्या सिखाओगे आप बताओ, कुछ सिखा के दिखाओ, लेकिन आप लोग सिखा तो रहे नहीं हो, फालतू की डिस्कस किए जा रहे हो, और लोगों का डाटा और दिमाग का डाटा दोनों खर्चा हो रहा है। यही था तो, आज का मतलब कुछ छोटा सा मैटर। आप लोग ऑलरेडी नॉलेज वीडियो तो देते हो, लेकिन ये जो है ना आप लोग आपस में झगड़े कर रहे हो। अभी टेक्निकल दोस्त ने फिर रिप्लाई किया, उनकी भी वीडियो मैंने देखी, 3 लाख 2 लाख व्यू हो गई। फिर मतलब ये जो है ना, हम लोग ये जो बना रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को वो मत देखना कि यार ये लोग भी ट्रेंडिंग वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन ऐसी नहीं है। वो बोल रहा है ना टेक्निकल रोहित के बारे में, फिर टेक्निकल गुरुजी के बारे में, टेक्निकल सागर के बारे में, तो ये पल प्लीज आप लोग जो है स्टॉप कर दो, अब बहुत हुआ। और प्लीज अगर कुछ सीखना हो सकता है तो कुछ शांतिपूर्वक जैसे पहले चल रही थी वैसे चलने दो। और गुरुजी ने बताया था कि ये ऐसे जवाब देंगे, उन्होंने ऐसे रिप्लाई किया, ये किया वो किया, और सत्य तो एक बात हाँ। तो और देखने लायक है क्या कि इन दोनों के झगड़े में फायदा किसका हो रहा है, फायदा तीसरे का हो रहा है, आपने देखा ही नहीं। मैंने बहुत सारी गाली सुन रहे हो उल्टे, आप यदि आपकी हर वीडियो के नीचे कमेंट देखा जाए तो एक से एक कमेंट आ रहे हैं। आप कुछ कमेंट देख के देखो। अभी आप देखो हम लोग ऐसा करते हैं, कभी मार्केट में निकलते हैं, ठीक है, अभी ओप्पो का फोन, वीवो का फोन या कोई भी अदर कंपनी, डजंट मैटर, हम लोग यूट्यूबर हैं, जिधर का स्पॉन्सरशिप मिलेगा उधर जाते हैं, लेकिन अगर कोई सही बताता है तो वो अच्छा यूट्यूबर है। तो मैं बात कर रहा था ब्रांड्स की, अगर दो ब्रांड्स आपस में झगड़ा करेंगे तो पीपल जितने भी लोग हैं जरूर सोचेंगे यार इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो कहेगा उसमें कुछ प्रॉब्लम है, और जिसकी प्रॉब्लम ज्यादा हुई वो क्या होगा, हीरो से जीरो। तो हीरो से जीरो ना बने, आप लोग हीरो हीरो ऐसे मत बोलो, ठीक है, ये झगड़ा ये सब बच्चों वाली काम मत करो यार, ये बचकाना हरकत कहां से आप लोग कर रहे हो। तो ये दूसरे को एक दूसरे को अब्यूज करना, ब्लेम लगाना, ये सब बंद करो यार, अच्छा नहीं लगता है। फालतू में आप कुछ बोलोगे वो कुछ बोलेंगे। सत्या अभी मेरे से अच्छे से बात कर रहा है, हम लोग आज प्रैंक वीडियो शूट कर रहे थे, फनी वीडियोस बनाते हैं, हाँ रिश्ते बनाने से बनते हो तो आपको ऑलरेडी पता है। अगर आज कुछ ऐसा हो जाए, मैं सत्या को कुछ बोल दूं,
ये मुझे कुछ रिप्लाई करे और ये सब बहुत बड़ा टॉपिक बन जाए। हाँ, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए ये तो बहुत अच्छी बात है, पब्लिसिटी मीडिया वही। हाँ, तो गुरुजी का कहना यही था। हाँ, हाँ, कि सागर की वाणी ने अपनी जैसे मतलब की वीडियो हुई ना उसको मतलब व्यू बढ़ाने के लिए उनकी चैनल जो है 6 लाख पे अटकी हुई है, तो वो बोल रहे हैं कि मैं क्विट कर दूंगा। तो ऐसे मतलब उन्होंने अपने मन से क्यूट नहीं, सागर की वाणी ने बताया उनकी चैनल पे शायद अपलोडिंग बंद हो गई थी कुछ। अच्छा। पेटीएम की हैकिंग पे वीडियो डाली थी उसकी वजह से। तो टॉपिक ये था तो फिर उन्होंने बोला कि मैं अब यूट्यूब क्यूट कर दूंगा, मेरी वीडियो पे मतलब यूट्यूब वालों ने अपलोडिंग बंद कर दी है। अच्छा। जिसकी वजह से मेरी अर्निंग नहीं आएगी, ये वो दिस डेट खूब बोला। तो उसी पे रिप्लाई आया था यूट्यूब का कि यार ऐसे जो है ना ये नहीं चलता वो नहीं चलता, आपकी मर्जी है आओ, आपकी मर्जी है जाओ। उन्होंने नाम नहीं लिया था। लेकिन अब जो है ना गुरुजी ने तो अभी तक किसी वीडियो में नाम नहीं लिया है, सिर्फ ये बताया है कि यार किसी का भी मन है आ सकता है जा सकता है। सही बात है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सागर जो है ना ये पूरा खोल दिया डॉट गुरुजी यार, पिक्चर को ब्लडिंग करके आप डालते हो। मैंने एक और वीडियो में सुना था, सागर ने कहा था, सागर भाई ने कहा था कि जो भी मेरे बारे में मेरे हेटर्स हैं, मेरे अच्छे मतलब जो भी सपोर्टर्स हैं, हेटर्स हैं, अगर हेटर हो तो मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा। तो वाट लगाने वाली बात भाई, यहाँ पे हर कोई हर किसी की वाट लगा सकता है। अगर बात करोगे तो बात बढ़ेगी, और बात बनाओगे तो और भी बात बढ़ेगी, और इतनी बात बढ़ेगी कि ये बातें बहुत सारे लोगों तक फैलेगी। और बात फैलाने की बात मैं बता रहा हूँ कि ये बातें ना एक दिन आप लोगों को ही बातों में ही उलझा देगी। तो बात प्लीज ना बनाए, बात बनाने तो हर किसी को आता है। अगर चूतिया पकड़े तो हम लोग भी बहुत बड़ी चूती है, ठीक है, लेकिन वो करके क्या फायदा। अगर आप अपना नॉलेज किसी को शेयर करो तो वो आपका फ्रेंड बनेगा। और मेरा नेचर कहता है, प्लीज आप लोग इस तरह की रायता ना फैलाएं। जहां तक कि मैनेज की बात है यार, देखो एक तरफ से गुरुजी अब शांत ही है, वो अभी तक रिप्लाई नहीं किए हैं एक वीडियो के बाद। रिप्लाई करके क्या फायदा, वही बात हो गई ना, कीचड़ पे यदि ईटा फेंकोगे तो छींटा खुद पे पड़ेगा बस। तो प्लीज आप लोग जैसे अभी गुरुजी शांत हैं, आप प्लीज आप भी शांत हो जाओ, और जितना हो सकता है मतलब कि आपस में जो है वो कॉलेबल है, पहले जैसे चल रही थी उसी तरह चलाओ बस। सारे लोग आपको फिर से उसी नाम से देखेंगे। और लेकिन हाँ, ये बीच में एक टॉपिक रहेगी कि यार दोनों के बीच झगड़े हो गए थे, पता नहीं आज तक शायद आप दोनों शायद आज तक कभी आपस में मिले नहीं हो शायद, मुझे लगता है जहां तक। हाँ, उसकी वजह से शायद आप गुरुजी को नहीं जानते हो। मैं तो कहता मैं ये नहीं कहता कि गुरुजी अच्छे हैं आप बुरे हो, दोनों लोग अच्छे हो। लेकिन अभी यदि जिसकी मतलब आपको पता ही होगा, जितने से पूछा जाए तो वो ज्यादा परसेंटेज देंगे गुरुजी को और आपको कुछ कम देंगे। बिकॉज यदि देखा जाए, यहाँ पे मैं एक बात टोकना चाहूंगा आपको, यहाँ पे मैंने एक मूवी देखी थी VIP, उसमें क्या होता है कि हीरोइन और हीरो दोनों में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और एक दिन क्या होता है दोनों एक रूम में बंद हो जाते हैं। तो आप दोनों भी यही करो, एक रूम में बंद हो जाओ, बैठ के जो भी भ्रास है भाई निकाल लो और इन सब बातों को क्लोज करो। बहुत हो चुका है, सोशल मीडिया पे आप लोग वायरल हो चुके हो, वायरल ही नहीं यार आप लोगों की लग चुकी है, मैं सच बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग अच्छे बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बुरे बोल रहे। यदि मैं उस वीडियो के नीचे कमेंट में देखूँ ना, यदि आप खुद जाके कमेंट देखो यार मत पूछो, घिन आएगी अपने आप से, घिन आएगी आपको यार। लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हो, क्या सोचते हैं, तो प्लीज बस आप लोग ऐसा मत करो। और अगर हो सके तो अभी मैं बता रहा हूँ कि वर्क करने वाले बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, और आप लोगों ने शायद देखा नहीं, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ यूनिक करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है आगे बढ़ने के लिए। अगर है हिम्मत तो उसे बढ़ा के दिखाओ बॉस। नहीं कर सकते हो आप लोग। मैं एक बड़े आदमी को जानता हूँ, स्टार है वो, नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्हें मैंने कहा था कि बहुत पहले की बात है कि प्लीज सर मेरा चैनल प्रमोट कर दीजिए। मुझे पता नहीं था प्रमोशन, आज तक मेरा चैनल किसी ने प्रमोट नहीं किया। पहली बार इसने मुझसे कांटेक्ट किया कि चल भाई कोलैबोरेट करते हैं दोनों। तो मैंने कहा चल करते हैं। बस आपस में सिर्फ दो ही आदमी लगे हम लोग, और कोई तीसरा बंदा हम लोगों का कोई सपोर्ट नहीं रहा। जहाँ तक इन्होंने इनका चैनल पहले बहुत ज्यादा स्टॉप था, धीरे था, आप लोगों को आज भी अगर सुपर सत्या की चैनल को देख लो, 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए है वहाँ पे। और जाके उसकी अर्निंग देखोगे ना, मंथली में $2 आते हैं, मात्र $2। तो वीडियो कितनी, 126 वीडियो यार, 126 वीडियो मामूली बात नहीं है। सही बात है। यहीं पे मैं कहना चाहता हूँ कि घमंड आप में अगर है तो अपने अहंकार को जहाँ तक हो सके उसे दबाने की कोशिश करो, अच्छे इंसान बनो, विचार अच्छे रखो, आगे बढ़ोगे यार, कभी ना कभी बढ़ोगे। मैं भी सिर्फ एक ही चैनल को लेकर चल रहा हूँ, चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरे में छोड़िए, मैं अपनी बातें नहीं करूंगा, चाहूँ तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन यही है कि हम लोग का बस यही रहा है कि प्लीज आप लोग ये सब बंद करें। अगर कुछ करना है तो
लोगों को सिखाएं, हाँ, या फिर कुछ बंदे कुछ कर रहे हो तो उन्हें प्रमोट करें, ये अगर आप कर सकते हो। अगर अभी जितने लोग जैसे मैं, हम लोग अभी YouTube बना रहे हैं आप लोगों के विषय में, तो आप लोग मतलब एक दूसरे से हेट कर रहे हो अभी, ठीक है, हेट कर रहे हो ना, हो सकता है हम लोगों को यदि थप्पड़ आपको मारना है ना, तो एक ही जवाब है, यदि आप लोग जितने आपके ऊपर मतलब अभी जितने क्लेम कर रहे हैं वीडियो बना रहे हैं उनको यदि थप्पड़ मारना है तो आप लोग प्लीज जाके आपस में गला मिलो और एक अच्छी वीडियो बनाओ कि हम लोग शायद प्रैंक बना रहे थे या फिर ऐसा कर रहे थे। तो पक्का बोल रहा हूँ ना, जितने लोग जो अभी वाट लगाने की बात कर रहे थे वो कर रहे थे, उनको बहुत जोरदार तमाचा पड़ने वाला है। तो प्लीज बस आज की इस वीडियो में इतना ही था, हम लोग सोचे थे एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो आपको दूं। तो प्लीज आपको प्लीज इस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो यूट्यूबर्स कहते हैं वही कहना चाहेंगे, वैसे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग झगड़े के लिए बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने आज कुछ सिखाया नहीं, बस थोड़ा सा भाषण दिया आई थिंक बस, तो ये भाषण लाइव आया आपको था, लेकिन लाइव में उतना मजा नहीं आया, बस सोचा कि यार चलो कुछ अलग से वीडियो बना के डाल देते हैं। तो अगर आपको ये भाषण अच्छा लगा हो तो यही कहेंगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो कि हम लोग हमेशा कहते हैं फंडा नेटवर्क एंड सत्यजीत टेक्निकल। तो दोस्तों हम लोगों का और भी एक और चीज बताना है कि हम लोगों का और भी वीडियोस आने वाला है, प्रैंक वीडियोस, सॉरी यार सत्या तो जा रहा है, मेरा प्रैंक वीडियोस आने वाला है फंडा नेटवर्क पे, आप देख सकते हो। और दोस्तों बहुत सारी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस वीडियो को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय। सूट करदा तेनु सूट सूट करदा, ओनी तू लगदी पंजाबन लगदी पटोला, लगे नी तू सारिया तो वख नी, तेनु सूट सूट करदा।